मैं बना रही हूँ सैंडविच, और उसके लिए मैंने ये आलू उबाल लिए थे और मैश कर दिए हैं। अब हम इनको करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए चूल्हे में रख दी है कढ़ाई। अब इसमें डालते हैं ऑयल। दोस्तों बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा ऑयल डालें, थोड़ा सा बस हो गया, इतना सा ऑयल डालें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। दोस्तों ऑयल हो गया गरम, अब इसमें हम डालेंगे ये कड़ी पत्ता और थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ। ये चाहे तो आप आलू में भी मिला सकते हैं, पर मैं आलू में नहीं इसमें फ्राई करूँ। थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, और अब हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये सारे चटकने न लग जाए। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और हम डालेंगे प्याज। अब हम इनको भूनेंगे। दोस्तों सैंडविच खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, नाश्ते में या कभी भी आप बना लो। और कई लोग तो कच्चे आलू में ही ऐसे मैश करके डाल देते हैं, पर इस तरह से आप बनाओगे तो ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। मैं एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना रही हूँ इस पर, इसमें डाल रही हूँ। अब आ गई मसालों की बारी। इसमें डालेंगे हम हल्दी, ये नमक, आप चाहे तो आलू में भी मैश कर सकते हैं सर, और ये धनिया पाउडर, प्याज। हमको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भूनना है। अब इसमें डालेंगे आलू। अब डाल रही हूँ आलू। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों आलू हो गए हैं अच्छे से मैश, देखिए इतना मस्त कलर आया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, मेरा धनिया खत्म हो गया और भी अच्छा लग गया। अब हम बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देती हूँ, फिर उसके बाद बनाएंगे हम टेस्टी से सैंडविच। ये देखिए ये है ब्रेड, और हम बनाएंगे अब इसमें सैंडविच। दोस्तों अब हम इसमें लगाएंगे मसाला, जैसे मसाला लगा देंगे। इसमें लगा लेंगे हम घी, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है घी लगाएंगे। और अब हम इसमें रखेंगे ऊपर से भी इसमें घी लगा देंगे। बंद करके अच्छे से बंद करके ब्रेड का साइज पूरा बढ़ा देंगे। दोस्तों अब हम इसको रख देंगे। दोस्तों ये पलट दिया है, एक साइड थोड़ा सा पक गया है, एक यहाँ पर मानी का बन रहा है। ये खाली ब्रेड सेक के जैम डालेंगे। दोस्तों ये हो गया है रेडी। ये देखिए मस्त करारा सैंडविच रेडी है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कैसा बना था। बाय।